Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Dear students, hope you all are fine and are doing well at your homes Dear students, open your English books and take out page number 46. Have you opened your books? Very nice. So today we will read a poem, and the name of the poem is I Am After School. तो बच्चों आज हमें एक पॉइंट पढ़नी है जिसका नाम क्या है आई एम ऑफ टू स्कूल तो चलिए सबसे पहले इस पॉइंट की रीडिंग कर लेते हैं आई एम ऑफ टू स्कूल टू लर्न एंड प्ले एंड मीट माय फ्रेंड्स ऑल थ्रू द डे वी वी कलर एंड ड्रॉ वी रीड एंड वी राइट लिटल चिल्ड्रन स्मार्ट एंड ब्राइट वी डांस एंड वी सिंग

Pretty little children, smart and bright, we dance and we sing, and we play in a ring. Such a pleasant thing, when little children sing. तो बच्चों I am off to school. I हम किसके लिए use करते हैं? I क्या है? Pronoun. तो किसके लिए use करते हैं? अपने लिए. I am off to school. मैं जाता हूँ. Off हम बोलते हैं. गोइंग टू जाने को मैं जाता हूँ कहाँ स्कूल में जा रहा हूँ स्कूल आई गो टू स्कूल आई एम गोइंग टू स्कूल स्कूल किसको कहते हैं वायर यू लर्न सो मैनी थिंग्स आप वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं सीखने के साथ साथ आप वहाँ पे क्या क्या सीखते हैं आप शाबाश लिखना पढ़ना दोस्तों के साथ आप वहाँ पे खेलते हैं ना तो वो सब आप कहाँ पे करते हैं स्कूल में तो मैं कहाँ जा रहा हूँ स्कूल आई एम गोइंग टू स्कूल आई एम ऑफ स्कूल मैं जा रहा हूँ स्कूल टू लर्न एंड प्ले किस लिए जा रहा हूँ स्कूल टू लर्न एंड प्ले लर्न किस को कहते हैं सीखने को एंड प्ले शाबाश खेलने को मैं स्कूल जाता हूँ टू लर्न एंड प्ले मैं वहाँ सीखने के लिए जाता हूँ एंड प्ले खेलने के लिए जाता पढ़ाई के साथ साथ हम स्कूल में बहुत सारी चीजें सीखते हैं ना जैसे बड़ों बड़ों के साथ कैसे पेश आना चाहिए छोटों के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये सारी डिसिप्लिन हम कहाँ पर सीखते हैं स्कूल में इसीलिए हमें स्कूल जाना अच्छा लगता है इसीलिए आप स्कूल जाते हैं ना एंड मीट माई फ्रेंड्स मीट हम बोलते हैं मिलने को किसको मिलने को एंड मीट माई फ्रेंड्स ऑल थ्रू द डे मैं मिलता हूँ अपने दोस्तों से ऑल थ्रू द डे पूरा दिन किन से मिलता हूँ अपने दोस्तों से होल डे ऑल डे का मतलब होल डे पूरे दिन किन से मिलता हूँ अपने दोस्तों से मैं स्कूल जाता हूं, वहां पे सीखता हूं खेलता हूं और अपने दोस्तों से मिलता हूं देखिए ये जा रहे हैं यहाँ पे स्कूल क्या जा रहे हैं स्कूल तो स्कूल कहा है ये है इनका स्कूल और ये बच्चे जा रहे हैं पीछे से बैग है इनके तो कहा जा रहे हैं स्कूल यूनिफॉर्म भी लगाई हुई है तो कहा जाते हैं स्कूल जाते हैं क्यों जाते हैं टू लर्न एंड टू प्ले खेलने के लिए टू प्ले विद फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं और वहाँ पे सीखने के लिए जाते हैं वी कलर एंड वी ड्रा हम वहाँ पे कलर करते हैं और ड्रा भी करते हैं हम वहाँ पे शक्लें बनाते भी हैं और कलर भी करते हैं वी 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 हम वी कैन प्लूरल आई का प्लूरल तो मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे कलर करते हैं और ड्रा करते हैं वी रीड एंड वी राइट रीड किसको बोलते बेटा शाबाश पढ़ने को किसको पढ़ने को राइट लिखना राइट बोलते हैं लिखने को रीड बोलते हैं पढ़ने को तो हम स्कूल में लर्न करते हैं प्ले करते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं रीड करते हैं और राइट करते हैं हम पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं प्री लिटल चिल्ड्रन प्रिटी किसको कहते हैं शाबाश प्रिटी लिटल चिल्ड्रन प्रिटी हम बोलते हैं ब्यूटीफुल को खूबसूरत को किसको प्रिटी प्रिटी हुआ खूबसूरत क्या हुआ खूबसूरत ब्यूटीफुल क्यूट तो हम क्यूट फ्रेंड्स वहां सीखते भी हैं पढ़ते भी हैं कलर भी करते हैं और ड्रॉ भी करते हैं कहाँ पे स्कूल में कहाँ पे स्कूल में हम जो प्रिटी चिल्ड्रन है जो हम बच्चे हैं खूबसूरत बच्चे हैं ब्यूटीफुल बच्चे हैं तो हम क्या करने जाते हैं स्कूल खेलने के लिए पढ़ने के लिए सीखने के लिए लिखने के लिए प्रिटी लिटल चिल्ड्रन स्मार्ट एंड ब्राइट ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो खूबसूरत छोटे छोटे बच्चे हैं ये कैसे बहुत ही इंटेलिजेंट है बहुत ही जहीन है बहुत ही काबिल है बहुत ही ब्रिलियंट बच्चे हैं ब्राइट ब्रिलियंट किसको कहते हैं ब्रिलियंट को बहुत ही होशियार बच्चे हैं है, समार्ट हम बोलते हैं होशियार को किसको होशियार बच्चों को तो आपके फ्रेंड्स में जो होशियार होता है आप उसको क्या कहते हैं आप बहुत ही कलेवर हैं चालाक बच्चों को कलेवर कहते हैं ना इंटेलिजेंट भी आप कह सकते हैं है, तो हम होशियार बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल जाते हैं तो ये प्यारे बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल क्या करने जाते हैं सीखने के लिए पढ़ने के लिए लिखने के लिए खेलने के लिए वो डांस देखिए यहाँ पे ये ये क्या कर रहे हैं रीड कर रहे हैं पढ़ रहे हैं ये क्या कर रहा है लिख रहा है राइटिंग कर रहा ये क्या कर रहा है कलर कर रहा है वो डांस एडमी से हम वहाँ पे डांस किसको कहते हैं नाचने को किसको नाचने को एंड वी सिंग हम वहाँ पे नाचते हैं और गाते भी हैं एंड वी प्ले इन ए रिंग और हम रिंग में खेलते हैं देखिए यहाँ पे ये यह क्या कर रहे हैं गाते हैं और नाचते हैं इन ए रिंग सर्कल बनाया हुआ है ना यहाँ पे तो इसको हम कहते हैं रिंग जैसे आप लोग लंच के टाइम या जब गेम होती है तो आप कैसे खेलते हैं आप सर्कल बनाते हैं ना ऐसे ही घूमते हैं ना तो इसको हम कहते हैं रिंग तो हम रिंग में खेलते हैं और हम नाचते भी हैं और गाते भी हैं सच ए प्लेजेंट थिंग प्लेजेंट हम बोलते हैं खुशगवार को किसको खुश हमें खुशी होती है क्या होती है हमें खुशी होती है दिलकश नज़ारा होता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है हाँ खुशगवार किसको सच ए चार्मिंग थिंग बहुत ही दिलकश नज़ारा होता है कौन सा जब हम नाचते हैं गाते हैं खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ मैन लिटल चिल्ड्रन सिंग जब छोटे बच्चे गाते हैं जब ये प्यारे से छोटे से बच्चे गाते हैं तब हमें बहुत ही खुशी मिलती है हम खुशी से वो सब सुनते हैं और उनकी तरफ देखते हैं उनकी तरफ अपना ध्यान रखते हैं तो बच्चों आज आप लोगों ने क्या पढ़ा हम स्कूल क्यों जाते हैं क्यों जाते हैं स्कूल ताकि हम वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखें घर के बाद हम जो भी सीखते हैं कहाँ पर सीखते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ पे सीखते हैं अच्छी बातें कहाँ से सीखते हैं अपने स्कूल से हम वहाँ पे लर्न करते हैं हम वहाँ पे पढ़ते हैं खेलते हैं कूदते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं पूरा दिन अपने दोस्तों से मिलते हैं और कलर करते हैं और ड्रा भी करते हैं शक्ल पिक्चर्स बनाते भी हैं और ड्रा भी करते हैं और कलर भी करते हैं वहाँ पे हम लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं वहाँ पे छोटे छोटे प्यारे से बच्चे क्या करते हैं नाचते भी हैं गाते भी हैं कहाँ पे स्कूल में खुशी से स्कूल बच्चे जाते हैं क्यों क्योंकि उनको वो वहाँ पे सीखते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं और गाते हैं और नाचते हैं तो बच्चों आई होप आपने समझा होगा तो आज के लिए इतना ही टेक केयर अल्लाह हाफिज़